तो श्रीमद् भागवतम एक अद्भुत ग्रंथ है जिसका सेंटर पॉइंट एक ही है। जानते हैं क्या है सेंटर पॉइंट भागवतम का? क्या 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 बड़ा धीरे बोला, क्या क्या क्या? अभी मैं बोलता कि आपको जोर से चिल्लाना और आपको मिलेंगे 1,00,000 रुपए, तो कैसे आवाज आती? अच्छा, क्या है सेंटर पॉइंट भागवतम का? कृष्णा। क्या? कृष्णा। हाँ? कृष्णा। हाँ, ऐसा चिल्लाना चाहिए कि कृष्ण हृदय में आ जाए तुरंत। यह है भागवतम का एक ही सेंटर पॉइंट। और भागवतम का एक परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र समझते हैं? परिभाषा सूत्र, हर ग्रंथ का एक परिभाषा सूत्र होता है। मतलब कि एक ऐसा श्लोक होता है, एक ऐसी लाइन होती है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है हर ग्रंथ के अंदर, जिस स्टेटमेंट के सराउंडिंग पूरा ग्रंथ होता है। वो पूरे ग्रंथ के अंदर जो भी कुछ चर्चा होगी वो एक ही विषय के ऊपर चर्चा होगी। हो सकता है कि उसमें तरह तरह की बातों की डिस्कशन हो, पर अगर ध्यान से देखेंगे तो वो जो एक स्टेटमेंट दी गई थी उसी के ऊपर होगा। जैसे बोला जाता ना, हमारी मिशन स्टेटमेंट ये है, तो हम जो भी कुछ कार्य करेंगे अपनी मिशन स्टेटमेंट को फुलफिल। तो भागवतम के अंदर यहाँ वहाँ तरह तरह की बातें होती रहेंगी जो हमें लगेगा कि शायद इसमें तो कृष्ण से कोई संबंध ही नहीं है, पर इसका एक परिभाषा सूत्र है भागवतम का। और वो क्या है, कोई जानता हमें से? हाँ, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये श्रीमद् भागवतम का परिभाषा सूत्र है। क्या? कृष्णास्तु भगवान स्वयं, एते चांश कला पुंसां, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रियादि व्याकुलम लोकम मृड़यन्ति युगे युगे। ये दो लाइनें जो एक श्लोक है, ये भागवतम का परिभाषा सूत्र है। और उसमें भी और प्रसाई चले जाए तो कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कि वो व्यक्ति जो कि अभी तक जितने भी भगवान के अवतारों का वर्णन किया गया, राम, नरसिंह, बलराम, परशुराम, वराहा इत्यादि इत्यादि, जितने भी भगवान के अवतारों का वर्णन किया गया, ये सारे अवतारों के उद्गम हैं, सोर्स हैं। जो व्यक्ति जितने भी अवतार हैं उन सब के उद्गम हैं, अवतारी हैं। जो असुरों से भक्तों की रक्षा के लिए स्पेशली इंद्र की युग युग में अवतार लेते आते हैं अलग अलग ब्रह्मांडों में, मृड़यन्ति युगे, और बाकी अवतारों के स्रोत होने के कारण वही केवल स्वयं भगवान हैं। और उनका नाम है, क्या नाम है? कृष्णा। अच्छा, अब इसके अंदर एक और मजेदार बात है। क्या बोला जा रहा है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जनरली क्या बोला जाता है? प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कभी ऐसी अनाउंसमेंट कहीं नहीं होती कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। समझ रहे हैं बात को? हर जगह क्या बोला जाएगा? भारत, कोई पूछेगा भी भारत के प्रधानमंत्री कौन है, और वो समय समय पर प्रधानमंत्री एक चीज रहेगी और वो पोजिशन व्यक्ति चेंज होता रहेगा। परंतु यहां पर ऐसा नहीं है कि भगवान कौन है, कृष्ण नहीं। यहां क्या है? कृष्ण भगवान है। मतलब कि ये चेंज होने वाली वस्तु नहीं है, ये एब्सोल्यूट स्टेट। कोई कहे जी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, क्या ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है? क्या ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है? यस नो नो यस, किसी को कोई गारंटी नहीं है भाई। वोट में क्या नाम है, मान लो हर बार इलेक्शन में वो जीत जाए तो भी ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट रहेगी क्या? क्यों? क्योंकि जन्म मृत्यु से थोड़ा ना जीत पाएंगे, एक दिन यहां से जाना पड़ेगा उनको भी।
परंतु जब कहते हैं कि कृष्ण भगवान है, अगर कोई भगवान नाम की, प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई भगवान नाम अगर किसी चीज को दिया जाए तो वो कृष्ण ही हो सकता फिर। और ये एक कैसी है एक्सियम है, ये नेवर टू बी चेंज्ड, कभी नहीं बदलने वाली, इटर्नल एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है ये। और इसी स्टेटमेंट के कि कृष्ण स्वयं भगवान है, इसी स्टेटमेंट के ऊपर पूरी भागवतम है। जो भी चर्चा हो रही है उसका आधार क्या है? श्रीमद् भागवतम की हर चर्चा का आधार क्या है? कृष्ण भगवान है। तो अब हम क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को शिक्षा दे रहे हैं 11वें स्कंद में। जैसे एक भगवत गीता है तो वैसे एक क्या है इसमें, उद्धव गीता। उद्धव गीता का मतलब नहीं है कि उद्धव जी ने बोला, उद्धव के लिए बोला भगवान ने, इसलिए इसका नाम क्या हुआ। और उद्धव गीता में जब भगवान श्री कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा देते हुए एक ब्राह्मण के विषय में चर्चा करते हैं जिससे यदु महाराज यदु मिले। और ये ब्राह्मण जो हैं इनका नाम दिया गया अवधूत, एक अवधूत ब्राह्मण। क्या नाम दिया गया? एक अवधूत, मतलब अवधूत ब्राह्मण का मतलब जिसको संसार से कोई मतलब नहीं है, जिसकी लाइफ मतलब देसी भाषा में बोले तो जो एकदम बिंदास है ना। भक्त लोग कहते हैं कि मायादास सदा उदास। क्या? मायादास कृष्णदास बिंदास। तो बिल्कुल बिंदास लाइफ है उनकी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उनका मजाक उड़ा रहा है, कोई उनकी हंसी उड़ा रहा है, कोई उनको चंदा दे रहा है, कोई उनके पास जो रखा हुआ उठा के वो भी ले जा रहा है, कोई उनको पत्थर मार रहा है, कोई उनके ऊपर थूक के जा रहा है, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अवधूत, बिना किसी शर्म हया के वो केवल भगवान का भजन करता है, नाचता और गाता है। तो जब यदु महाराज इनसे शिक्षा ले रहे हैं, इनसे चर्चा कर रहे हैं, तो ये पढ़े हुए हैं और इनसे बताया कि तुमने कहाँ, आपने कहाँ कहाँ से शिक्षा ली। बोले मैंने तो कईयों से शिक्षा ली है। और अब भागवतम बहुत अद्भुत ग्रंथ है, भागवतम में हर जगह ये बात स्टैब्लिश की गई कि गुरु से, गुरु के आश्रय में जाने की जरूरत है और गुरु जो ज्ञान देते हैं उससे हमारी भक्ति का वर्धन होता है। सुना हम सबने? तो अब भागवतम के अंदर इस बात की चिंता हुई भगवान को कि स्थिति क्या हो जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर स्वभाव है, जीव का स्वभाव है कि हम क्या हैं, आलसी हैं। क्या? अगर हमें पता लग जाए कि घर बैठे बैठे बढ़िया से इंटरनेट पे कथा सुनने को मिल रही है तो हम सोचेंगे बेवकूफ़ हैं, गाड़ी पे बैठे हैं धक्के खाते हुए मंदिर तक जाएं, घर में ही जब चल रहा है, ये आलस का स्वभाव है। और भी कई प्रकार से हम आलस करते हैं संसार में। और जब हमारे को दिखेगा अच्छा जी गुरु जी ज्ञान देंगे उससे भक्ति आएगी, तो हम पूरी तरह से वही इसी बात पे डिपेंड हो जाएंगे जी, वही करेंगे अब सब कुछ। हमने तो शरण ले लिए है, हमने तो दीक्षा ले ली है, हमने तो आशीर्वाद ले लिया, हमने मंत्र ले लिया, अब तो वही करेंगे सब कुछ। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कि ऐसी मेंटेलिटी ना बन जाए, तो ये भी दिखाया गया कि हमारे अंदर भी प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए और ऐसे स्थान से भी मिले। वो सुने ना, गोबर में भी सोना मिले तो उठाना चाहिए। सुना आपने? सुना चाहिए, सुना कि नहीं? नहीं सुना? देखो भैया बोलने में शर्म आती हो तो ऐसा किया करो, नहीं सुना तो बोलो, देखिए तो सही हमें। आपने सुना है ऐसा कि मल में भी सोना गिरा मिले तो उठा लेना चाहिए? हाँ, किसने बोली ये बात? कईयों ने बोली, जितने भी नीति शास्त्र के लोग हुए सब ने बोली। तो भागवतम अब दिखा रही है कि हमारे को भी नॉलेज सीकिंग होना चाहिए। और नॉलेज कैसी सीख करनी चाहिए? ऐसे नहीं कि मिल जाए, हम उससे क्या बेनिफिट लेंगे। हम हर जगह पर अगर मनुष्य जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, हर परिस्थिति से वो शिक्षा ले सकता है। और फिर वो गुरु के पास स्वयं जाएगा, गिरेगा उनके चरणों में, शिक्षा लेगा। तो अब ये दिखाने के लिए
तो ये व्यक्ति जो ये ब्राह्मण हैं, इनको कई स्थानों पर बताया गया कि दत्तात्रेय जी हैं, परंतु भागवतम में लिखा है एक अवधूत ब्राह्मण। आचार्य ग्रंथ अलग अलग स्थान पर बताते हैं कि दत्तात्रेय जी हैं। और ये क्या बोलते हैं कि मैंने तो कईयों से शिक्षा ली है, जिसमें अजगर से बताते हैं शिक्षा ली है ना, अजगर देखो पड़ा रहता है, अपने आप जो उसके आसपास आ जाता है खा लेता है, तो मैं भी कहीं ज़्यादा मेहनत नहीं करता, जो आसपास आके मिल जाता है खाने को खा लेता हूँ। तो ऐसे ऐसे करके वो शिक्षाएं दे रहे। तो अब वो क्या बताते हैं, ब्राह्मण हैं, विरक्त हैं, सब त्याग कर रखा है, और क्या कहते हैं कि मैंने ना एक और शिक्षा ली। किससे शिक्षा ली? एक वैश्या से शिक्षा ली। किससे? किस वैश्य नहीं, वैश्या, जिसको बोलते हैं क्या नाम है, नगर वधु, और अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो एक वैश्या प्रोस्टिट्यूट, उससे शिक्षा ली। क्या शिक्षा ली? तो अब वो शिक्षा बता रहे हैं मैंने क्या ली। और अब कभी ये मिले नहीं उस वैश्या से, ऐसा नहीं है कि कभी मिले जाकर के चर्चा हुई, वैश्या ने कहा आओ जी अंदर बैठो, मैं बताती हूँ आपको, एक बढ़िया शिक्षा दूंगी। नहीं नहीं नहीं, इन्होंने एक वैश्या के बारे में सुना, उसके साथ ऐसा हुआ था, और अपने आप शिक्षा ले ली। मतलब कि जैसे ही कोई परिस्थिति के अंदर दिखा कि हाँ यहाँ कोई महत्वपूर्ण बात सुनने को समझने को मिल रही है, फटाफट सीख लिया। ये दिमाग नहीं चलाना चाहिए कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है इसको इसकी नॉलेज सही से है या नहीं, ये इसको खुद को कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। हाँ, जो ये बात बोल रहा है वो सही बोल रहा है, शास्त्र सम्मत है, स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा तो बेनिफिट होगा ही होगा। तो अब इस वैश्या से कि ये कथा सुना रहा है ब्राह्मण कि मैंने इस वैश्या से कैसे शिक्षा ली, तो इस वैश्या की शिक्षा के दौरान, वैश्या की जो जीवन में स्थिति घटी, जब हम ये चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत, तो हम लोग देखेंगे भले ही वो वैश्या है पर उसकी परिस्थितियाँ कितनी रिलेटेड हैं हमारी लाइफ से। भाई कोई कुछ भी हो, वैश्या हो या कुछ भी हो, है तो मनुष्य, हर व्यक्ति एक ही चीज़ चाहता है, क्या? खुशी। और खुशी के लिए आजकल लोगों को क्या दिखता है? धन और प्रेम, कोई साथी हो और साथ में धन हो, यही दो चीज़ें समझ में आती हैं। कुछ भी करना हो, धन 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 धन, पैसा 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 पैसा। आप देखोगे कहोगे जी प्रभु जी, किसी भी के पास जाओ, चाहे साधु के पास जाओ, गृहस्थ संसार के व्यक्ति के पास जाओ, विरक्त सन्यासी के पास जाओ, किसी के पास भी जाओ, सबको यही दो चीज़ों की आवश्यकता है, किसी साथी की और धन की, यही दो चीज़ों को चाहिए सबको। सही बोल रहे हैं गलत? सही बोल रहे हैं गलत? यस नो नो यस। अब हम में से कितने लोग सन्यासी हैं? कोई भी नहीं है। फिर आपने सन्यासियों के लिए हाँ कैसे कह दिया? हाँ, गृहस्थ के लिए हाँ बोला था। सन्यासी को भी चाहिए, परंतु उसका दूसरे स्तर पे चाहिए उसको। हमारे को चाहिए इस संसार का भोग के लिए कोई साथी चाहिए, और उनको एक साथी चाहिए जो उनके साथ कृष्ण कथा करें, भक्तों का संग चाहिए। तो हम अब इस पिंगला की, ये जो एक वैश्या है इसका नाम है पिंगला। क्या नाम है? पिंगला। तो हम इस पिंगला की कथा को सुनेंगे। ये बताते हैं ब्राह्मण, पिंगला नाम वैश्यासी विदेह नगरे पुरा तस्या में शिक्षितम किंचित निबोध निपनंदना। हे यदुनंदन, ओ हे यदु महाराज, हे राजपुत्र, सुनो, पिंगला नाम की एक वैश्या थी जो विदेह नगर में रहती थी, उससे भी मैंने एक शिक्षा प्राप्त करी है, आप ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करो। उसकी क्या स्थिति थी? सा सवर्ण्य एकदा कांतम संकेत उपनेश्यति अभूत काले बहिर्द्वारे भ्रति रूपमुत्तमम। एक दिन क्या हुआ, प्रतिदिन ये वैश्या जो है सज धज के बाहर जाती थी और कुछ ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास करती थी, अपने रूप और अपनी
अब कुछ क्या बोलेंगे, मुद्राओं से, कुछ इस प्रकार के शरीर के हाव भाव दिखा करके जिससे कि कोई आकर्षित हो, और फिर इस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रही थी। तो एक दिन क्या हुआ कि ये शाम के समय, जैसे बाकी लोग सुबह सुबह तैयार होकर अपनी दुकान के लिए निकलते हैं, तो वैश्या का जीवन शुरू होता है, उनका दिन शुरू होता है शाम को। तो वो शाम को एकदम सुंदर सज धज के और बाहर आई, और बाहर आकर के अपने शरीर के अलग अलग प्रकार के हाव भाव, इस प्रकार के हाव भाव जो कि काम वासना को उद्दीप्त करने वाले हों दूसरे के अंदर, ऐसे हाव भावों को दिखाने लगी और बहुत सुंदर रूप बना करके सज धज के आई। बाहर आती बैठी सब कुछ किया, फिर वापस गई अंदर, कोई नहीं मिला। फिर बाहर आए, कोई नहीं मिला, और बार बार उसके मन में यही था कि कोई मिल जाए, कोई मिल जाए जो कि क्या करें, मुझे कुछ धन दे, क्या दे, कुछ धन दे। पर वो केवल धन तक सीमित नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि इसको अकेलापन भी लगता था। तो इसीलिए एक तरफ से तो वो सोचती है ग्राहक आ जाएं, परंतु दूसरी तरफ उसके मन में भाव क्या होता है, कांतम, खाली धन ही ना दें, मैं उसको सुख दूंगी, परंतु वो मुझे प्रेम दे। खाली धन और भोग ही ना दें, मुझे क्या दे, प्रेम भी दे, कांतम, प्रिय हो वो मेरा, प्रेमी बन जाए। इसके मन में भाव रहती कि देखो कि स्त्री मेरे पास आते हैं पुरुष, मैं उनको ये भी बोलती हूँ कि तुम मुझे बड़े प्रिय हो, परंतु ये सत्य नहीं होता है। और उस समय वो भी वासना में लिप्त होकर के कहता है कि मेरा भी जीवन तुम्हारे लिए है, और ये भी सत्य नहीं होता है। इसीलिए उसके मन में क्या भाव आता है कि धन तो दे परंतु सत्य हो, क्या सत्य हो, प्रेम भी दे। वैश्या है ये, और अब इसकी स्थिति क्या हो रही है, मार्ग मागच्छतो विक्ष्य पुरुषान पुरुषर्षभ तान शुल्क दान वित्त वतः कांतान मनेर्थ कामुकी। अब इसकी स्थिति क्या है कि अर्थ की कामना, धन की कामना के कारण जो भी पुरुष आता, कभी उसके पास जाती, उसको स्पर्श करने का प्रयास करती, बस मन में बार बार ये भाव आता, कांतान मेरे कोई प्रेम दे, मुझे प्रेम दे, मेरे प्रेमी बन जाए, और मुझे धन भी दे। अब ऐसी परिस्थिति में आगतेष्वपयातेषु सा संकेतोपजीविनी अप्यन्यो वित्तवान कोपि मामुपैश्यति भूरिदा। बोले कि अरे ये व्यक्ति ठीक नहीं लग रहा, ये कुछ नहीं दे पाएगा, इसके पास जाती हूँ, ये थोड़ा धनी लग रहा है। अरे अरे ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति लग रहा है, ये बड़ा भूरिदा, भूरिदा समझते हैं, दानी, बड़ा दानी लग रहा है, ये बड़ा जनरस है ये, तो अगर ये संतुष्ट हुआ तो ये मेरा शुल्क तो देगा ही देगा, अपना एक शुल्क है उसका भी, बोले मेरा शुल्क तो देगा ही देगा, और मुझे विश्वास है अगर इसको मैंने प्रसन्न कर दिया तो कुछ ज़्यादा भी दे जाएगा। एवं दुराशया ध्वस्त निद्रा द्वार लंबिति निर्गच्छन्ति प्रविश्यन्ति निशितम समपद्यता। अब क्या हो रहा है इसकी स्थिति, ये दुराश्रय, क्योंकि अब इसके बार बार मन में आ रहा है, ये व्यक्ति, ये अच्छा, ये तो कल आया था मेरे पास, शायद ये आज भी आ जाएगा, हाँ इसको पकड़ते हैं, इसके पास जाती हूँ, अरे आज इसने भी ध्यान नहीं दिया पर ये जरूर आएगा, ये पिछले महीने आया था मेरे पास, और ये देख करके लगता है कि आ हा 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 हा, ये निश्चित रूप से आज मुझसे फंसेगा। बार बार ऐसी भावनाएं उसके मन में भाव आश्रय ले रही हैं, तो ये ब्राह्मण क्या कहता है, एवं दुराश्रया, ये दुराश्रय है, सही जगह का आश्रय नहीं है, इसके मन में जिन चीज़ों का आश्रय लिया, जिन भावनाओं का, वो सही भावनाएं नहीं है, ये इसके जीवन को असली आनंद प्रदान करने वाली भावनाएं नहीं है। इसलिए बोले दुराश्रया, और ऐसी आशा में आज उसको कोई कस्टमर नहीं मिल रहा, तो उसकी क्या हो रही है, ध्वस्त निद्रा द्वार लंबती, और उसकी स्थिति क्या है कि उसकी निद्रा ध्वस्त हो चुकी है,
और बार बार उसका क्या हो रहा है, बार बार मानो गेट के दरवाजे पे पड़ी है वो, निर्गच्छन्ति प्रविश्यन्ति निशितम समपद्यते, इस प्रकार से अपनी रात बिता रही है, कभी बाहर आ रही है कभी अंदर जा रही है। इस प्रकार करते करते मध्य रात्रि होने लगी है, परंतु अभी तक इसको कोई आज कस्टमर नहीं मिला। तस्या वित्ताशया शुष्यत वक्त्रायादिन चेतसः निर्वेदः परमो जग्गे चिंता हेतु सुखावहा। अभी इसकी स्थिति क्या हुई है कि बार बार अंदर बाहर होते होते ये टूट चुकी है। मानो कोई दुकानदार हो जिसकी पुरानी बहुत सेविंग्स उसके पास ना हो, और आज उसने सुबह सुबह दुकान खोल दी, दोपहर सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई और कोई ग्राहक ना आए, उसकी क्या स्थिति होगी? टूट जाएगा, वो सर पकड़ के बैठ जाएगा। सही बोल रहे हैं गलत? उसका हृदय दुखी होने लग जाएगा, एंजाइटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब उसकी चिंता क्या बढ़ेगी, आज कोई कमाई नहीं हुई, ये जो लड़का रखा हुआ है इसका तो पैसा जाएगा ही जाएगा, दुकान का किराया तो जाएगा ही जाएगा, मेरे घर आने जाने का जो खर्चा हुआ वो तो हो ही गया, ये सारी कैलकुलेशन कर देगा कि ये जाएगा ही जाएगा, घर में जो खर्चे होने वो होंगे ही होंगे, पर आया कुछ भी नहीं, तो कहाँ क्या हुआ, लॉस, बेचारा एंजाइटी में आ जाएगा। ये सबकी समझी बुझी बात है कि नहीं? तो वैश्य की बेचारी की कुछ ऐसी स्थिति है, अब बहुत एंजाइटी में है वो, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और इस एंजाइटी से क्या हुआ, कई बार भगवान अपने भक्तों पर कुछ विशेष कृपा करते हैं, जब उनको सही डायरेक्शन देनी होती है, क्या देनी होती है, सही डायरेक्शन देनी होती है, तो उनके जीवन में कुछ ऐसे पहलू ला देते हैं जहां वो आकर के एक बार को टूट जाए, क्या हो जाए उनके साथ, सब जगह से, जैसे हम एक शुद्ध भक्त को जानते हैं, वो भगवान के धाम चाह चुके हैं, एक समय ऐसा आ गया था उनके जीवन में, तो वो बोले नो वन लव्स मी, उनको ऐसा लगता था कि इस संसार में अब उनसे कोई प्रेम करने वाला नहीं रहा, क्योंकि ऐसी कुछ परिस्थितियां बना दी भगवान ने। सो बोले बट ओनली वन पर्सन लव्स मी, कृष्णा लव्स मी। तो वो पूरी तरह से कृष्ण के, जब उनके जीवन में ऐसी जटिलताएं आई, ऐसी परिस्थितियां आई जिससे कि सब जगह से वो टूट गए, तो उनकी कृष्ण निर्भरता उतनी ही बढ़ गई। अब ये वैश्या अगर इस प्रसंग से ऐसा लगता है इसने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाकर प्रवचन सुना था, तो हमने अन्य स्थानों पर सुना कथा में जाकर के, और अन्य स्थानों पर हमने शास्त्रों में देखा कि ये वैश्या एक बार कहीं पे कथा चल रही थी और ये वहाँ से निकल रही थी, जबकि लोग जो वहाँ की स्त्रियाँ थी बड़े अच्छी नज़र से नहीं देखती थी इसको, परंतु जब ये वहाँ से निकल रही थी तो एक संत प्रवचन दे रहे थे और ये प्रवचन उसने सुन लिया था, और प्रवचन सुन करके चली गई, और उसके बाद उसने बस माइंड में, आपने जीवन में कुछ भी सुना है, कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कुछ मिलती जुलती घटना घट जाए, तो आप 50 साल के हो गए फिर भी जब आप 6 साल के थे वो बात याद आ जाती है, सही बोल रहे गलत? तो इसने इस प्रकार से कुछ सुना था और निकल गई थी। वैसे ही कई बार हमें लगता ना, हमने भक्तों किसी को बताया, भक्ति के विषय में बताया, कोई प्रभाव तो पड़ा नहीं उस पर, जिस दिन उसके जीवन में बड़ा झटका लगेगा ना, तो दैट वुड बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज। तो अभी क्या हुआ कि बहुत एंजाइटी में आ गई, और वो चिंता क्या हुआ, कारण बन गई सुखावहा, उसके हृदय के अंदर सुख को जागृत करने का कारण बन गई वो चिंता, क्योंकि वो एंजाइटी में जब उसको लगा हाय अब कैसे होगा, तो अब उसके मन में अब प्रश्न बात उठने लगी, हुआ क्या उसके साथ, तस्या निर्वाण चित्ताया गीतम शुणु यथा मम निर्वेद आशा पाशानम पुरुषस्य यथा हसी। अरे जब इसके मन में इतनी एंजाइटी हुई कि हाय कैसे होगा, अचानक डिटैचमेंट आ गई, ऐसा ही है ये संसार, तो कभी कभी लगता है ना ऐसा, छोड़ो यार ऐसा ही है संसार, तो अब इसको क्या लगा, ऐसा ही है संसार, और इसने एक गीत गाया,
तो ये ब्राह्मण कह रहा है वो गीत सुनो। नाह्यंगा जात निर्वेदो देह बंधम जिहासति यथा विज्ञान रहितो मनुजो ममताम नृपा। हे नृप, इसको सुनोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि संसार के अंदर जो डिटैचमेंट है, क्या डिटैचमेंट, इस संसार से विरक्ति, देह बंधम जिहासति, इस देह के बंधन में जो हमारी आसक्तियां हैं उससे जो डिटैचमेंट है, उसकी उस भोग की जो इच्छाएं हैं उनसे जो डिटैचमेंट है, वो कितने सुख का कारण बन सकती है। तो अब यहाँ से पिंगला का गीत शुरू होता है। पिंगलौ वाचा अहो मे मोहवीतीतम पश्यता विजितात्मना यकांता दसतः कामम काम्ये येन बलाशिषा। कहती है हाय अहो मैं मोहि अवीतम, देखो हाय 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 अहो, देखो देखो, अपने आप से बोल रही है। जब आदमी बिल्कुल टूट जाता है और अकेला घर में हो, जिसके पास और कोई हो ही ना, तो किससे बोलेगा? अपने आप से बोलेगा। तो क्या कह रही है? अहो मैं मोह अवीतम पश्यता विजितात्मना, देखो 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 मैंने क्या किया है, मेरा जो ये जो मन है, इस मेरे इस मन को देखो जो कि जीता नहीं जा रहा उससे। या कांत दास तथा कामम काम्य ये न बलाशिषा, इस संसार के अंदर बार बार बिल्कुल छोटे छोटे बिल्कुल तुच्छ लोग हैं, जो इस संसार के पुरुष कितने तुच्छ है ना, देखा जाए तो है ना। जैसे कि अगर मान लो एक व्यक्ति यहाँ पर व्यास आसन पर बैठा और उसका नाम है मधुमंगल दास, और वो सोचे वाह मैं तो कितना महान, मेरे से तो कितने लोग बात सुन रहे हैं, मेरी प्रवचन सुन रहे हैं, तो अचानक कोई बुद्धिमान व्यक्ति उसको बताने आए, क्या कहें कि ये आपने पढ़ा है भागवतम में संसार कितना बड़ा है? हाँ जी बहुत बड़ा है। भगवान की जो आध्यात्मिक सृष्टि है उसका एकांशेन स्थितो जगतः, एक अंश में बिल्कुल एक छोटे से अंश में स्थित है जगत। ये जो भौतिक जगत है, भगवान की जो आध्यात्मिक सृष्टि के एक अंश में, भगवद्गीता में कृष्ण कह रहे हैं ना एकांशेन स्थितो जगतः, एक अंश छोटे से अंश में स्थित है। और वो अंश कैसा है? छोटा सा जो अंश है उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अच्छा जी, हर ब्रह्मांड के अंदर कई सारे ब्रह्मांडों में से ये एक ब्रह्मांड है जिसमें हम, तो एक ब्रह्मांड में 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, स्वर्ग ये वो, उसमें से एक बहुत बड़ी पृथ्वी है जिसमें कई सारे वर्ष हैं, कई सारे द्वीप हैं, 7 द्वीप हैं, 7 द्वीपों में से एक है क्या? जम्बू द्वीप। अच्छा, जम्बू द्वीप जिसको हम पृथ्वी मानते हैं, हमारे पास आज की जो मॉडर्न साइंस है उसके हिसाब से, वो वैदिक साइंस कॉस्मोलॉजी के अनुसार जो एक छोटा एक आइलैंड है मात्र पृथ्वी का जम्बू द्वीप, वो पूरी पृथ्वी है, और वो भी पूरी तरह से दृश्यत नहीं है, इसमें कई सारे वर्षों में से एक वर्ष है भारतवर्ष, भारतवर्ष, और उसमें कितने सारे ये अलग अलग, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह, कितने सारे छोटे छोटे और भी आइलैंड वगैरह हैं, कितना बड़ा पृथ्वी, उसमें से भारतवर्ष, भारतवर्ष में से एक है भारतखंड, जिसको हम कहते हैं मेरा देश महान, मेरा भारत महान, मेरे भारत महान, इतना बड़ा भारत है जिसके अंदर कम से कम ही नहीं तो 125 करोड़ तो काउंटेड है लोग हैं। जब आप इसमें चलना शुरू करते हो, अगर आप ट्रेन पे जाओ, गाड़ी पे जाओ, यहाँ से अगर आपको कहीं जाना है तो आपको जंगल के जंगल वीरान नजर आएंगे, और यहाँ से आपको अगर 2000 किलोमीटर पार करना है तो आपको ऐसा लगेगा कि अथाह अथाह जनसमूह और अथाह पृथ्वी है ये, और इतनी बड़ी पृथ्वी के ऊपर, इतने बड़े भारत देश के अंदर एक स्टेट है, क्या नाम है उसका? हरियाणा। बाप रे बाप, और वो हरियाणा इतना बड़ा, उसके अंदर इतने सारे शहर, इतने सारे गांव, और उसमें से एक शहर का नाम है गुड़गांव, वो गुड़गांव में कितने सारे कॉलोनियां, कितने सारे गांव, उसमें से एक जगह का नाम है बादशाहपुर, बादशाहपुर में कितनी बिल्डिंगे पे बिल्डिंगे भरी हुई हैं, कितने सारे मकान घर भरे हुए हैं, उनमें से एक बिल्डिंग है जिसका नाम है, और इस बिल्डिंग के अंदर भी कितने सारे कमरे हैं, कितने सारे लोग हैं, उन इतने सारे कमरों, इतने सारे हॉल्स के अंदर, ये बेसमेंट के अंदर एक हॉल,
और इसके अंदर भी इतने सारे लोग बैठे हुए हैं और उनमें से एक मधु मंगलदास, और वो कहता है जी मैं कितना महान हूं। छोटा सा व्यक्ति है, और ना इस बात पे ही लगा रह जाता पूरा जीवन कि एक दिन एक जादू होगा, एक चमत्कार होगा और सब लोग देखेंगे कि मैं भी क्या कमाल का व्यक्ति हूं। सही बोल रहे हैं गलत? तो यहां पे क्या कहती है, अहो बालिशा, बच्चों जैसी बात कर रही हूं, छोटा सा इनसिग्निफिकेंट ये जीव है, पुरुष है, और मैं सोच रही हूं कि ये मेरे को प्रेम दे पाएगा असली। हाय, अपने इस दुर्भाग्य का चिंतन करते हुए अपने आप से बोल रही है। और क्या कहती है आगे, संतम समीप रमणम रति प्रदम वित्त प्रदम नित्यमिमं विहाय कामदम दुख भयादि शोक मोह प्रदम तुच्छमहं भजे ज्ञा। हाय, संतम समीप रमणम रति प्रदम वित्त प्रदम, संतम समीपम, जो निरंतर मेरे समीप रहते हैं। सुना था इसने कि हमारे समीप कोई रहता है, कौन रहता है? परमात्मा स्वरूप में भगवान। संतम समीप रमणम रति प्रदम, वो मुझसे प्रेम करने को तैयार है, तभी तो हर परिस्थिति में मेरे साथ है। वित्त प्रदम नित्यमिमं विहाय, निरंतर मेरे साथ ही रहते हैं। अकामदम दुख भयादि शोक, दुख में हूं मैं, भय में हूं, शोक में हूं, छोड़ते नहीं है मुझे, उनको मुझसे क्या लाभ है। और मैं जो इस भौतिक संसार के अंदर अपनी इच्छाओं को तुष्ट नहीं कर पाती, मोह प्रदम तुच्छम अहम भजे ज्ञा, कितनी तुच्छ हूं मैं, कैसी बातें सोच रही हूं, इस संसार के लोगों से सुख प्राप्त करने की इच्छा कर रही हूं। तो क्या आपको लगता है कि इस वैश्य के जैसी हमारी स्थिति होती है? क्या हम थोड़ा सा विचार करें तो हम कुछ वैश्य जैसी प्रवृत्ति नहीं है हमारी? क्या हम नहीं सोचते बार बार, अरे अरे ये व्यक्ति मेरे को जरूर लाभ पहुंचाएगा, प्रयास करते हैं आज इसको पटाने का प्रयास करते हैं, ये कस्टमर फंसाने का प्रयास करते हैं, कुछ ऐसी हमारी भावनाएं नहीं रहती? और हमारे जो असली पति हैं, जिनको संतुष्ट कर देने से यस्यम तुष्टे सर्वमेव तुष्टि भवति, जिसको संतुष्ट कर देने से सारा जगत संतुष्ट हो जाता है, उनको संतुष्ट करने की बजाय क्या हम यहां वहां सबको संतुष्ट करने में नहीं लगे रहते? Am I right or wrong? क्या हम इस वैश्या से कुछ ज्यादा महान हैं? देखो, हम लोग एक वैश्य को बड़ा घटिया जरूर बोल सकते हैं, पर भागवतम की नजर से जब देखेंगे ना तो हमें पता लगेगा, अरे ये वैश्यावृत्ति तो हमारे अंदर भी भरी हुई है। भाई, वैश्यावृत्ति क्या है? अपने एक स्वामी को छोड़ करके कईयों को स्वामी बनाते रहना, कईयों को संतुष्ट करने की इच्छा धारण कर लेना, यही तो वैश्यावृत्ति है। और हमारे असली स्वामी कौन है? कौन है हमारे असली स्वामी? कौन है हमारे असली स्वामी? और हमने उनको संतुष्ट करने की बजाय सारे संसार को संतुष्ट करने का ठेका ले लिया, क्योंकि हमें लगता है ये हमसे प्रसन्न हुआ ना, मेरा बॉस को पटाना यार, ये मेरा पालन करेगा, इमीडिएट बॉस को पटाना है, उसके ऊपर वाले को पटाना, उसके ऊपर वाले को पटाना है, यही वृत्ति है हमारी। जब हम बिजनेस कर रहे हैं उसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, कई बार भक्तों के समाज में आने के बाद भी कुछ ऐसी स्थिति होती है, भूल जाते हैं कि कृष्ण परम नियंता है, अरे कल उसने मुझे चंदा दिया था, आज जरूर दे देगा वो भी, कल परसों उसने दिया था, और भूल जाते हैं कि हमारा असली लक्ष्य क्या था, कृष्ण को प्रसन्न करना, उनकी सेवा करना, क्योंकि हमारे वो स्वामी है। वैश्यावृत्ति है ये। इस संसार के कितने लोगों को हम संतुष्ट करने में लग जाते हैं और भूल जाते हैं। और यहां पर ये वैश्या जिसको समाज निष्कासित समझता है, अपने आप से दूषित समझता है, छूता समझता है, वो वैश्या के अंदर, क्योंकि उसने एक बार सुन लिया था, उसके अंदर वो सद्गुण जागृत हो गए। और ये भागवतम अब बता रही है इधर कि अगर भक्ति इतनी स्वतंत्र है, वो इस बात का इंतजार नहीं करेगी जब कोई ब्राह्मण होगा तभी इसके हृदय में घुसूंगी मैं। अगर नीच से भी नीच व्यक्ति इस बात को रियलाइज कर ले कि मेरे नाथ कौन है,
जगन्नाथ, हम सबके नाथ जगन्नाथ। तो ये बात रियलाइज कर लें तो भक्ति देवी तुरंत उसके हृदय में प्रवेश करेगी। तो अब इस प्रकार से पूरा अब ये चिंतन करने लग गई कि देखो मेरे कितने नज़दीक हैं, ये मेरे को कितना प्रेम करते हैं, कभी मुझे छोड़ा नहीं, मैं कितनी तुच्छ हूँ, अहो मायात्म परिपक्वितो वृथा, मेरी स्थिति तो देखो मैं वृथा ही संसार के अंदर भोगने का प्रयास कर रही हूँ, और वो भी किसके लिए, आई होप टू गेट मनी एंड सेक्स प्लेजर, रतिमात्मने क्षति, केवल मैंने धन वित्तम रतिमात्मने, धन और सेक्स प्लेजर के लिए कितना समय बर्बाद कर दिया, भूल गई कि मेरे को जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो सकता था, परम आनंद की प्राप्ति हो सकती थी, अगर मैंने यहाँ वहाँ आश्रय दुराश्रय। कई बार भक्त मुझसे पूछते हैं कि प्रभु जी ऐसे करेंगे तो कैसे होगा, अरे कुछ प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। क्या प्रैक्टिकल है भाई, आप पूरे प्रैक्टिकल हो जाओ, आप पूरा प्लान कर लो, कल का दिन ऐसा होना चाहिए और ऐसे ऐसे धन आना चाहिए, घर परिवार ऐसा चलना चाहिए, और आप जा रहे हो, आपने गाड़ी भी ठीक से चलाई, सब कुछ आपने सही चलाया, पीछे से ट्रक वाला दारू पी के आ रहा था, हो गई ना सारी प्रैक्टिकलिटी बराबर, कोई कुछ कर सकेगा? इसका मतलब कोई कंट्रोल है हमारे हाथ में? तो मोस्ट प्रैक्टिकल पॉइंट पता क्या है, आप जानते हैं सृष्टि में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल, लाइफ में जीने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका क्या है, कोई बता सकता है? यस प्रभु जी, यस टू बी फुल्ली डिपेंडेंट कृष्णा, जाहे विधि राखे राम, जैसे ठाकुर जी रखेंगे वैसे रहेंगे भाई, जब पालन हार वो है तो अपनी क्या एंजाइटी है ना, वह कोकर तरह के बड़ा भाई साखा होए सोई जो, है ना भाई, जब किसी की मृत्यु हो जाती है या किसी को कुछ हो जाता है, सब लोग उसके पास जाकर के क्या बोलते हैं, अब देखो जैसा भगवान ने रचा है ऐसा ही बोलते हैं। और जब वो विजयी हो जाता है, जब उसके पास बहुत धन आ जाता है, वो सफल हो जाता है, कोई जाके बोलता है जी जैसा भगवान ने रचा है, वेल कंग्रेचुलेशंस, आपने क्या कर दिखाया भाई साहब, जब कुछ अच्छा हुआ तो आपने किया और जब कुछ खराब हुआ तो वो ठाकुर जी आए थे करने के लिए। हाँ तो होए सोई जो राम रची राखा, अच्छा होगा बुरा होगा आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से, सब कुछ किसने रचा हुआ हमारे लिए। तो लाइफ का सबसे प्रैक्टिकल तरीका यही है जीने का, कि जाहि विधि राखे राम, खुश रहें, उनके ऊपर जब निर्भरता रहेगी, अरे भैया जो सृष्टि के स्वामी हैं उनको हम अपना नाथ मान के उनके नीचे बैठ जाएंगे तो फिर कोई समस्या है जीवन में? एक आचार्य हैं, उनका नाम है यमुनाचार्य, बड़ा सुंदर वो अपनी प्रार्थना बोल रहे हैं, भवानु एकानुचरण निरंतरा प्रशांत निशेषा मनोरथांतरा कदा हमें कांतिक नित्य किंकरा प्रहर्ष श्यामी सनाथ जीवितम। हाय हे प्रभु, किस दिन वो दिन आएगा, भवन्तु मेवानुचरण निरंतरा, निरंतर मेरे हृदय के अंदर आपके चरणों का चिंतन होगा एकांतम, और मेरे एकमात्र आप ही नाथ होंगे, मैं दूसरे को अपना नाथ नहीं मानूंगा, दूसरे के ऊपर कभी डिपेंडेंट नहीं रहूंगा, मेरे मन में स्थिर हो जाएगी ये बात कि आप ही एकमात्र मेरे स्वामी हैं। जिस दिन मैं ऐसा मान लूंगा, कदा हम एकांत नित्य किंग करा, कब ऐसी स्थिति आएगी मेरे जीवन की, क्योंकि जिस दिन ये स्थिति आएगी तब क्या होगा, प्रहर्ष श्यामी सनाथ जीवितम, उस दिन मैं वास्तव में हर्षित हो उठूंगा हृदय से, क्यों, अभी तक तो मैं अनाथ था, है ना, एक वैश्य अनाथ ही होती है, कभी इसको बॉस बनाया तो कभी उसको बॉस बनाया, हम भी ऐसी करते हैं, आज इस कंपनी में तो उस कंपनी में, जहां पे आए यहां से कूद के वहां चले गए, वहां से कूद के वहां, यही करते हैं सारा जीवन, सही बोले गलत। मेरे को एक भक्त मिले, मतलब एक व्यक्ति हैं बहुत अच्छी कंपनी में, बहुत अच्छे लेवल पे हैं, नाम नहीं लेंगे ना कंपनी का ना उस व्यक्ति का, बट ही इज़ इन अ वेरी हाई पोजिशन, और वो हमें क्या बोलते हैं, प्रभु जी मेरे को कुछ चाहिए नहीं, जितना मिल रहा है मैं उतने में सेटिस्फाई हूँ, मेरा घर परिवार सही से चल रहा है, पर ना मेरी चिंता क्या है कि देखो मैंने इतने सालों से कंपनी चेंज नहीं करी ना, तो लोग सोचेंगे भाई ये गुग्गू है, इसको कुछ जगह नौकरी नहीं मिल रही आगे, तो
तो मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करने के लिए भी कूदना फादना पड़ेगा, यहां बनाओ बॉस वहां बनाओ बॉस। तो यही वैश्या वाली प्रवृत्ति। पर अब सनाथ जीवितम, अब बदलने वाला नहीं है मेरे नाथ। कौन नाथ है मेरे? जगन्नाथ श्याम सुंदर। सनाथ जीवितम कदा हम एकांत का नित्य तिंकरा। और जिस दिन ये जीत स्थिति आ गई ना प्रभु, देखो आज तो मैं अपने मन के रथ पे आरूढ़ होकर के कभी यहां भागता हूं कभी वहां भागता हूं, मनोरथांतरा, उसी दिन स्थिर हो जाएगी वो स्थिति। मन के रथ पे नहीं चलेंगे फिर तो, आपकी आज्ञाओं की आपकी सेवाओं के रथ पे चलेंगे। तो यहां ये वैश्या भी यही दिखा रही कि देखो मैं किस पे निर्भर हूं, इन लोगों पे, इन ग्राहकों पे जो अपना पालन ठीक से नहीं कर सकते। आज किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति के पास चले जाएं जिस पे हम, जिसको हम अपना बॉस मानते हैं या जो हमें धन देने वाला है। कोई मेरे को लिख करके दे सकता है कि जो हमारे को धन देने वाला व्यक्ति है वो सुखी है अपने घर में? कोई लिख के दे सकता है इस बात को? जो वो खुद सुखी नहीं है उस अपने उस ऐश्वर्य से, कैसे उस सेम ऐश्वर्य से हमें सुखी कर देगा? संभव है क्या? असंभव। पर हम वैश्यावृत्ति है, परंतु इस वैश्य के मन में ये बात आ गया, अरे 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 मैं ये क्या कर रही हूं। संतम समीपे रमणम रति प्रदम, मेरे पास निरंतर रह रहे हैं उनकी शरण नहीं ली, मैं किन किन के पास चली गई। और इस प्रकार से अपने पूरे विदेह नगर में बता रही, हाय देखो मैं कैसी कामदा ना रहा नरा, ये भी कामुक हैं मैं भी कामी हूं। नूनम में भगवान प्रीतो विष्णु के ना भी कर्मणा, निर्वेद्यो दुराशया यन्मे जाता सुखावहा। मैं इतना डीठ मेरा मन है कि विष्णु के चरणों में नहीं गया। विष्णु के ना भी कर्मणा, क्या नहीं कर सकते विष्णु कृष्ण, क्या नहीं कर सकते? जब पूरे में भूचाल आ जाएगा उसमें से भी एक बच्चे को बचा के निकाल सकते हैं, हम कर सकते हैं क्या? तो पालनहार जो है, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, पॉसिबल को इम्पॉसिबल कर सकते हैं, घटन अघटयन पटय शक्तियों को धारण करने वाले हैं, परम सत्ता है, उनके ऊपर विश्वास न करके हाय मैंने कहां काम दहा, जो काम से पूरित नर हैं उनके ऊपर अपना विश्वास स्थापित कर लिया था। अब इस प्रकार से वो चिंतन करते हुए कि मेरे पालन करने वाले तो केवल कृष्ण हैं, उनकी ही मुझे शरण लेनी चाहिए और वो मेरे को जैसे रखेंगे मैं वैसे रह लूंगी। ऐसा करते करते, ऐसा चिंतन करने से क्या हुआ, उसकी सारी एंजाइटी खत्म हो गई, उसके हृदय में सुख आ गया। तो और बड़े सुख से फिर उसने क्या किया, अपने जो गहने इत्यादि थे वो उतारे और बड़े प्रसन्न मन से सो गई, ये सब ठीक हो गया, कुछ नहीं हुआ। क्या किया, मन की परिस्थिति बदली। मन की परिस्थिति कैसे बदली, जो आश्रय अभी तक सुख के लिए इस संसार के ऊपर था वो किसके ऊपर चला गया, कृष्ण के ऊपर, बस सब सही हो गया। तो यहां पर आचार्य कमेंट करते हैं कि देखो इतनी सी बात थी और ये बात लेकर के, ये तो कोई शास्त्र से भी सुन सकते थे बात, तो ब्राह्मण ने इस वैश्या को क्यों कोट किया? क्योंकि हुआ क्या कि ये सब चिंतन करके वो सुख से सो गई, बड़ी नॉर्मल सी बात है, तो ये सुख से सो गई, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट लगी उसको, ब्राह्मण को, कि ये इसका मतलब जो इसकी डिटैचमेंट थी वो परम सत्य की तरफ थी, परम सत्य की तरफ ले जाने वाली डिटैचमेंट थी, इसीलिए इसको सुखपूर्वक सो गई। संसार में जब व्यक्ति को डिटैचमेंट होती है और भगवान, क्योंकि जब हमारे को कष्ट मिलते हैं, कोई धोखा देता है, झगड़े होते हैं, होता है ना, फिर लगता है कि क्या करना है इस संसार से, कोई नहीं अपना, सब पराए हैं, सब पैसे के लोग, ऐसा ही बोलते हैं। और उस दिन ऐसा लगता है कि बस अब तो हम जो है बिल्कुल वैराग्य की मूर्ति बन गए, और अगले दिन सब वही काम करते हुए नजर आते हैं, और ये बोलते हुए भी मन फ्रस्ट्रेटेड होता चला जाता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है और नींद नहीं आती है फिर, कि हाय देखो कैसा संसार है, देखो दुखी है, इसमें तो ऐसे ही लोग हैं जी, सब ऐसे ही हैं, कोई किसी को नहीं समझता, धोखा ही देते हैं जी, ब्ला 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 ब्ला, नींद ही नहीं आती। जब ऐसी जीवन में परिस्थिति आती है तो नींद नहीं आती, परंतु जब वो डिटैचमेंट, दोनों में डिटैचमेंट आया, विरक्ति आई,
परंतु विरक्ति आई संसार में और उसको सही आश्रय नहीं मिला, भगवान की तरफ भक्ति नहीं बढ़ी, तो क्या हुआ, वो और फंसाए रखेगी संसार में विरक्ति भी। परंतु जब वो विरक्ति आई और विरक्ति में आश्रय सही मिल गया, कौन आश्रय मिल गए, कृष्ण मिल गए, तो क्या हुआ, नींद आ गई आराम से, अब एंजाइटी चली गई फिर, बोला ठीक है जी जैसा भगवान ने रखना है। अब ये बात मन से निकल गई कि हाय संसार ऐसा वैसा वैसा, नहीं जैसा भी हो संसार, मेरे तो स्वामी मेरे साथ है, आप मेरे पाल। जैसे एक बार क्या हुआ, मतलब क्योंकि हम भक्त लोग ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, मैं एक मंदिर में गया, वहाँ पर एक भक्त आया, उस भक्त के ऊपर किसी ने एलिगेशन लगा दी, एलिगेशन लगा दी तो पूरा समाज जो है वहाँ पर सब एलिगेशन लगा रहा और सब लोग उसको जो है टेढ़ी नज़र से देखने लगे, क्योंकि खराब एलिगेशन लगी थी। पर क्या हुआ, वहाँ पर ही कुछ समय के बाद उसके गुरु महाराज आए, उसके गुरु महाराज से उसने प्रणाम किया और उसने अपने गुरु महाराज से बोला कि ऐसी ऐसी मेरे ऊपर एलिगेशन है, आपका क्या विचार है। बोले मुझे विश्वास है तुम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे उसके गुरु ने बोला तो एक दिन पहले तक उसकी दाढ़ी इतनी इतनी बढ़ गई थी, ऐसा लगता था कि अब बस ये मरने वाला है, क्योंकि इतने दिनों से गुरु से नहीं मिला था जी। गुरु जी ने जिस दिन कह दिया कि जी मेरे को तो विश्वास है, उसके मन में आया कि अब दुनिया जाए बाहर के भट्टे में, जो कोई बोलना बोले, हमारे गुरु जी को हम पे विश्वास है, कृष्ण को हम पे विश्वास है, इसका मतलब। अगले दिन ही एकदम गोरा चिट्टा बन के निकला है वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कौन उसको कैसा सोच रहा है, गलत सोच रहा है सही सोच रहा है, क्योंकि अब उसको पता है कि मेरे स्वामी है ना, वो मेरे साथ है। तो वैसे ही अब इसको नींद आ गई, इसको पता है कि मेरे नाथ मेरे साथ हैं, कृष्ण मेरे साथ हैं, अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये लोग कैसे हैं फिर, क्योंकि आश्रय कहाँ ले लिया, परम सत्ता का। तो अब ये महत्वपूर्ण शिक्षा हम आज ये लेके जा सकते हैं पिंगला से, कि पिंगला अपना आश्रय कईयों को मान रही थी, कस्टमर ढूंढ रही थी, सेम काम हम भी कर रहे हैं, या तो बॉस को सेटिस्फाई कर रहे हैं या कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट और मैं राइट और रॉन्ग है ना। सो अब ड्यूटी जो निभाने निभाएंगे हम संसार में, परंतु आश्रय किस पे है, विश्वास क्या है कि हमारे पालनहार कौन है, कृष्ण ना ये बॉस हैं, हमारे एक भक्त हैं वो जॉब करते थे, ये फाइनल कंक्लूड कर रहा हूँ इसके साथ, वो जॉब कर रहे थे, ये हैं लगभग, आज से मैं आपको बता रहा हूँ 2004 की बात बता रहा हूँ आपको। तो उस समय अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे थे वो, उनकी सैलरी वहाँ पे 25,000 थी, ठीक थी उस समय 25,000 सैलरी ठीक थी उस समय, और 2004 में उनकी 25,000 थी, जॉब कर रहे थे, मायापुर धाम जाना चाहते थे, और इन्होंने एप्लीकेशन दी छुट्टी के लिए, छुट्टी अप्रूव नहीं हुई, इन्होंने कहा जी सॉरी सर, मायापुर जाना तो 100% ज़रूरी है, इसीलिए अगर छुट्टी अप्रूव नहीं हुई तो ये रेजिग्नेशन लेटर है, और वो देकर के वो चले गए, और सच में कंपनी ने उनको निकाल दिया। अब इन्होंने इसका मतलब किसका आश्रय लिया, इन्होंने कृष्ण का, जैसे रखना रखेंगे, हम तो आपकी सेवा में आ रहे हैं भाई साहब। वापस आए, वापस आकर के छुट्टी सेलिब्रेट हुई, वापस आके थकान उतरी दो दिन तक, तीसरे दिन इनके पास फ़ोन आया 50,000 की सैलरी पे जॉब लग गई इनकी। ये भक्त अभी भी हैं, उस समय अनूप वर्मा था, अभी इनका नाम है अच्युत बंधु दास, और अभी अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर हम समर्पण कृष्ण पर रखेंगे तो वो हमारा निश्चित रूप से पालन करेंगे, और अगर हमारा समर्पण सब संसार में है, हमने मौका ही नहीं दिया कृष्ण को हमारा ध्यान रखने का, भाई कृष्ण को हमने मौका ही नहीं दिया, हमने कहा जी हम देख लेंगे, कृष्ण आप थोड़ा बैठे रहो, मैं इसको सेट कर लूँगा, मैं इससे निकलवा लूँगा, उससे निकलवा लूँगा। सो अगर आप मौका दे के देखो कृष्ण को कि वो आपका पालन, और टेस्टिंग के लिए नहीं, टेस्ट मत कर लेना कृष्ण को, बड़े खतरनाक व्यक्ति हो, टेस्टिंग के लिए नहीं, वास्तव में मौका दे दो कि भैया देखो आप ही हमारा पालन करो, जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा, आनंद में बीतेगा, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि कष्ट मन पे है, वो मन से कष्ट वाली लकीरी गायब हो जाए, वो कष्ट वाला जो वो है ना प्रोग्रामिंग जो है वो प्रोग्रामिंग ही खत्म हो जाएगी, कृष्ण आके उसको डी प्रोग्राम कर देंगे, और केवल जीवन में एक ही चीज़ रह जाएगी, कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही। शिला प्रभुपाद की जय।